नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विथ टी। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पंगु हुई धारा 370। जम्मू कश्मीर पर चल रही तमाम अटकलें, अफवाहें और कयासों पर अब विराम लग गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला करते हुए राज्यसभा में दो अहम संकल्प पेश किए। इस संकल्प में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटना शामिल है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। मोदी सरकार के तीन बड़े फैसले, धारा 370 का हुआ खात्मा। मोदी 2.0 सरकार ने सोमवार को तीन बड़े फैसले लिए। सबसे पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। वहीं अब जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री नहीं। यहां विधानसभा का गठन भी होगा। एक अन्य फैसले के तहत जम्मू कश्मीर अब दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। मोदी सरकार के तीनों फैसलों को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अब कश्मीर में नहीं चलेगी रणबीर दंड संहिता, लागू होगी आईपीसी। भारत के कानूनी मामलों में अदालतें भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था। वहां भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन धारा 370 को हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में पूरे देश की तरह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी लागू होगी। ब्रिटिश काल से ही यहां रणबीर दंड संहिता लागू थी। सरकार के फैसले का आरएसएस ने किया समर्थन, साहसपूर्ण कदम बताया। सरकार के जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का आरएसएस ने समर्थन किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं, यह एक साहसपूर्ण कदम है। विपक्ष का सरकार पर पलटवार, पीडीपी सांसद ने फाड़े अपने कपड़े। घाटी में धारा 370 और 35A खत्म करने पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे भारतीय लोकतंत्र का काला दिन करार दिया। वहीं पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद और एमएम फैयाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ संविधान फाड़ने की कोशिश की, बल्कि अपना कुर्ता तक फाड़ लिया। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।